अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही नहीं, दुनिया के आप किसी भी प्रोफेशन को ले लो, बिना गुरु के कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लॉन्ग जंप आपने देखा होगा, लॉन्ग जंप का एथलीट जो होता है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, 5 बार वो दौड़ करके आता है, कूदा, एक बार 6 मीटर की जंप लगाता है, दूसरी बार कूदा 5.5 मीटर की जंप लगाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, उस एथलीट को समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं एक बार कूदा तो मैं 6 मीटर कूद रहा हूँ और दूसरी बार जब मैं कूदा तो 5.5 मीटर कूद रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। पर अगर उसके साथ कोई कोच है, कोच बोले तो मतलब उसका गुरु है, उसका अपलाइन है, जो वहां दूर से खड़े होकर के देख रहा होगा उसको, तो उसको समझ में आती है ये चीज कि जब ये लेफ्ट पैर से कूदती है तभी 6 मीटर जा रही है, जब ये राइट पैर रखकर कूद रही है तभी 5.5 मीटर जा रही है। तो एक गुरु का, एक रोल मॉडल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है कि ओके मेरी ये गलती हो रही है, मेरे को ये इम्प्रूव करना चाहिए। कुल मिलाकर के जो आपका अपलाइन है वो बिल्कुल पिता की तरह काम करता है। अब जैसे आपने बताया कि आपके अपलाइन यहाँ पे हैं या फिर कहीं गवर्नमेंट जॉब की वजह से कहीं बाहर हैं, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर, आपके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर उस इंसान को ढूंढना होगा, उस बड़े लेवल वाले लीडर को ढूंढना होगा जिसको आपको लगता है कि यस ये मेरा रोल मॉडल बन सकता है। और सिंपल सी चीज क्या करनी होगी, आपका एक वीक के अंदर उनसे अपनी 1-to-1 मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जब आपकी प्रोग्रेस है या फिर जो आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई उस एक हफ्ते के अंदर, आप उनसे शेयर करिए 1-to-1। जब आप बात करोगे उनसे तो उसमें आपकी जितनी कमियां हैं, जितनी पेशी हैं, वो सारी सही हो जाएंगी, रेक्टिफाइड हो जाएंगी। कुल मिलाकर के वो जो लॉन्ग जंप वाला जो कोच था, जो दूर से खड़े होकर देख रहा था, अब आपका जो अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है, वो आपको दूर से देख करके बता रहा होगा कि आप कहाँ पे गलत है और आपको क्या करना चाहिए। सही है। अब जब आप एक बार उनसे मिलने जा रहे हो अपने अपलाइन से एक हफ्ते बाद, तो उस एक हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि कहीं काफी सारे लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। आप हर हफ्ते अपलाइन के पास तो पहुंच जाओगे पर आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही आपने फेस नहीं करी, तो फिर वो नलीफाइड हो गया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, उस एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो डाउनलाइन के लोग हैं, जो आपकी टीम के लोग हैं, उनसे बात करिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उनको पेन डाउन करिए और अपलाइन के पास वो पर्चा लेकर के जाइए जो आपके सवालों का जवाब, जिसका आपको जवाब चाहिए। जैसे आपके कोई सवाल है आप आज लेकर के आए मेरे पास, ऐसे ही वीकली अगर आपके पास कोई और सवाल आते हैं तो आप लेकर के आ सकते हैं मेरे पास, पूछ सकते हैं। तो सेम चीज, सेम सिचुएशन को अगर आप रिपीट करोगे अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, तो वहां से बहुत मास्टरी रिजल्ट मिलेगी आपको और आपका जो प्रोग्रेस है वो हमेशा इंक्रीजिंग जाएगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे। और यही सिस्टम है।